ज्ञानस्य भंडारम धर्मः इति सनातनः। भारतीय सनातन जीवन ही यथार्थ जीवन है, जहाँ प्रकृति आपको पुष्पित पल्लवित करती है। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि प्रकृति जीवन का स्रोत है। पर्यावरण के समृद्ध और स्वस्थ होने से ही हमारा जीवन समृद्ध और सुखी होगा। वे प्रकृति की देव शक्ति के रूप में उपासना करते थे। उन्होंने जीवन के आध्यात्मिक पक्ष पर गहरा चिंतन किया और पर्यावरण पर भी उतना ही ध्यान दिया। इस क्रम में मैं ऋषि गुरु गुरु वाटिका में आपका स्वागत करता हूँ। आज जिस औषधीय पौधे को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, इसका संस्कृत में नाम दूरग्राह तथा अपमार्गा चिड़चिड़ा लठजीरा कहते हैं। यह पौधा हम मनुष्यों के लिए वरदान से कम नहीं है। इस पौधे का असाध्य रोगों में चमत्कारिक लाभ है। आइए आज हम इसके औषधि गुणों पर चर्चा करेंगे। यह स्वभाव में तीखा कड़ुआ प्रकृति से गर्म होता है। यह पाचन शक्ति वर्धक रेचक विष कृमि पथरी नाशक दर्द निवारक रक्त शोधक है तथा ज्वर शामक है। मुख संबंधी रोगों में जैसे पायरिया, मसूड़ों में सूजन, दांत में दर्द, दांत में छेद या मुख से दुर्गंध में इसके तने की दातुन करने से चमत्कारिक लाभ मिलता है। कब्ज में इसके पत्तों का चूर्ण सुखाकर बना लें और रोज एक चम्मच खाने से कब्ज से मुक्ति मिल जाएगी। विषैले जंतु के काटने पर इसके हरे पत्ते का रस निकाल कर लगाने से तुरंत राहत मिलती है। जोड़ के दर्द के लिए इसके पत्तों का रस शहद के साथ दर्द वाले स्थान पर लगाने से लाभ होता है। शिरोवेदना में या माइग्रेन में इसके बीज को पीस कर उसके पाउडर को सूंघने मात्र से सिर दर्द ठीक हो जाता है तथा माइग्रेन में भी यह लाभ करता है। दमा अस्थमा में इसके मूल जड़ का चूर्ण बनाकर आधा चम्मच शहद के साथ लेने से काफ़ी लाभ करता है तथा कफ खांसी सांस फूल रहा हो ठीक हो जाता है तथा जमे हुए सारे बलगम को कफ को बाहर निकाल देता है। जिसको कान से कम सुनाई देता हो, इसके पत्तों का रस निकाल कर तिल के तेल के साथ पकाकर दो दो बूंद कान में डालने से ठीक हो जाता है। गुर्दे में पथरी होने पर या मूत्र संक्रमण में इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर पीने से चमत्कारिक लाभ होता है। मोटापा घटाने में इसके बीजों की खीर बनाकर खाने से भूख नहीं लगती और मोटापा कम हो जाता है। योनि दोष गर्भाशय के संक्रमण में अथवा ओबरी में सिस्ट में इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर पीने से तत्काल लाभ करता है। प्रसव पीड़ा में इसकी मूल जड़ को किसी लाल धागे में बांधकर नाभि के पास इसके जड़ को रखने से प्रसव बिना ऑपरेशन के होगा और अत्यधिक प्रसव पीड़ा भी नहीं होगी। प्रसव के तुरंत बाद इसे खोलकर हटा दें। गर्भधारण में जिस स्त्री को गर्भ नहीं रुकता हो, इसकी जड़ का काढ़ा पीने से लाभ होगा। यही नहीं, तंत्र शास्त्र में इसके मूल का प्रयोग वशीकरण के लिए किया जाता है तथा ज्योतिष शास्त्र में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है।
यह नज़र दोष से भी बचाता है। अतः आप इस पौधे को देख लें, भली भांति जान लें और इसको अपने घर में अपने छत पर लगाएं, इसका औषधि लाभ ग्रहण करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।